नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूँ। मैं जो कल के लिए मतलब 2 अप्रैल 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूंगा, तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने जो बाय सेल लेवल कम स्किनर बनाया और उसके थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। बाय सेल लेवल सब इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और का लेवल्स दिखाता हूँ और भी बहुत सारा लेवल्स दिखाता हूँ, उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीस है, टेक्निक्स है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ये आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें आप लोग आसानी से प्रॉफिट कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, प्रॉफिट कर सकता है। और ये जो बाय सेल लेवल कम स्किनर है, इसमें क्या क्या है और कैसे स्किनिंग करना है, ये सब वीडियोस आप लोग देख लीजिए। मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा ये जो फाइल्स है। ये बहुत ही बढ़िया तरीका से आप लोग को स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने का रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमाने बहुत ही आसान कर देगा। इसमें आप लोग स्क्रीनिंग भी कर सकता है स्टॉक का, या कोई भी स्क्रिप्ट मूवमेंट भी मतलब ट्रैक कर सकता है उस। और बाय सेल लेवल देख के आप लोग प्रॉफिट कर सकता है, एंट्री एग्जिट करके आप लोग टिक प्रॉफिट कर सकता है, राइट। एंट्री एग्जिट करके आप लोग प्रॉफिट कर सकता है बहुत ही आसान तरीके से। आप लोग का काम करने का बहुत ही आसान हो जाएगा, तो इसका आप लोग ठीक से देख लीजिए। और इसको ज़्यादा मतलब आप लोग मेरा पेड सर्विस लेंगे तो ये पूरा फाइल आप लोग को मिल जाएगा, और कौन सा लेवल पे मतलब एंट्री लेना है वो भी मेरा पूरा गाइडेंस रहेगा। तो ये आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकता है, डेमो भी देखना चाहता है तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। और उसके बाद आप लोग पेड सर्विस लेकर इसको इस्तेमाल करके आप लोग स्टॉक मार्केट से आसानी से प्रॉफिट कमा सकता है। और ये मेरे आप जो लोग एलिस ब्लू आस्था ट्रेड और एलिस ब्लू आस्था ट्रेड आप स्टॉक्स एंजल बुकिंग में ज्वाइन होना चाहता है तो मेरा यूट्यूब वीडियो का लिंक के थ्रू में ज्वाइन हो सकता है। देखिए मैंने निफ्टी का जो डेली चार्ट ओपन किया हूँ, तो डेली चार्ट का मैं देखिए ये जो एरिया है, इस इधर बॉटम आउट होने के बाद इधर जो बॉटम हुआ था, इधर जो लास्ट टाइम जो बॉटम हुआ था उसके बाद ये तो रिट्रेस होके इधर रिट्रेस होने के इतना तक रिट्रेस हुआ है। तो इतना तक मतलब 9038 तक रिट्रेस 9018 सॉरी 9013 तक रिट्रेस हुआ था। उसके बाद ये क्या होता करता है, ये इस रीजन पे ये कंसोलिडेशन हो रहा है। आप लोग देख रहा है कि ये कंसोलिडेशन हो रहा है, इसके बाद ये डाउन में आया है, फिर में आप गया है, इसके बाद फिर में डाउन में जा रहा है। तो लेकिन इसका ये डाउन अप ट्रेंड ही रह गया है थोड़ा सा, मतलब ये कंसोलिडेशन का बाद जो कंसोलिडेशन का जो लेवल है ये अप ट्रेंड में ही दिखा रहा है। तो पहले मैंने डेली मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने आप लोग को बोल दिखा देता हूँ। इधर जो देखिए पहला वाला जो ये तो 825 में क्लोजिंग दिया है, ये नीचे आके क्लोजिंग दिया है। तो इधर जो पहला वाला इसका जो रेजिस्टेंस मिलेगा 8367 में इसका रेजिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद ये इसका जो है ये 8491 में इसका रेजिस्टेंस मिलेगा। फिर उसके बाद सॉरी ये जो लेवल मिलेगा इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा 8543, उसके बाद 8693 में मिलेगा, उसके बाद 8882 और इसके बाद 8973, उसके बाद 9421, उसके बाद 9901, उसके बाद 10394, ये 10550 तक जाने का इसका प्रोबेबिलिटी रहा है। आप लोग मेरा 27 मार्च में जो मैंने बहुत ही क्लियर करके अब और कैलकुलेट करके और क्लियर करके मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए और ये तो गया है ऊपर का लेवल्स और नीचे का जो लेवल्स आएगा, तो इसमें आप लोग को पहले वाला जो मिलेगा 8158 में इसका सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद 8053, उसके बाद 7826 और इसके बाद देखिए 7511 का जो लेवल है बहुत ही इम्पोर्टेंट, नीचे वाला लेवल वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आएगा। इसके बाद ये डाउन आ सकता है, फर्स्ट लेवल का जो डाउन आएगा तो इसका जो दिखेगा इधर
इसका जो दिखेगा तो वो है, एक मिनट चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते। हाँ इधर 7026 में उसके 7026 6541 और 6056, और उसके बाद ये इसका जो लेवल दिखा रहा है 5571, और मेरा ख्याल से ये 5571 या 5087 से ये फिर से रिट्रेस होगा। क्यों करेगा वो मैंने आप लोग को दिखाऊंगा और बताऊंगा। और मैंने पहले भी मेरा 27 मार्च का जो मतलब हाँ 27 मार्च का जो वीडियो है वो भी देख लीजिए। मैंने देखिए 2008 से जो करेक्शन लेवल मतलब 2008 में जो बॉटम आउट हुआ था, उसके बाद जिसका जो साइकिल चालू है मतलब इसका जो अप ट्रेंड का जो चालू हुआ था उसका ही करेक्शन अभी हो रहा है। हो सकता है कुछ कोरोना वायरस हो या इकोनॉमिक कंडीशन फंडामेंटल रीजन जो भी हो, ये होने वाला था। तो किस रीजन पे हो रहा है वो अब उसका कुछ नहीं है, लेकिन ये होने वाला था ये करेक्शन, तो इसीलिए मार्केट ऐसे ही साइकिल में चलता है। तो आप लोग स्विंग मतलब जो लोग प्राइस एक्शन भी देख सकता है वो भी देख सकता है। तो इधर देखिए 2008 से जो बॉटम आउट हुआ था, 2008 का मतलब सॉरी, इधर जो 2008 में जो बॉटम आउट हुआ था उसके बाद से ये देखिए, मैंने अभी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इधर को देखिए, इधर जो वेब वन है ये वेब वन चालू है, उसके बाद वेब टू, उसके बाद वेब थ्री, उसके बाद वेब फोर, उसके बाद वेब फाइव, ठीक है। उसके बाद ये जो लेवल्स है, ये जो लेवल्स है ये करेक्शन लेवल आया है, इसका आप लोग देख सकता है। ये करेक्शन मतलब करंट जो है इस मंथ का, आप लोग अगला मंथ इस मंथ का आप लोग देखेंगे तो ये करेक्शन लेवल आप लोग को नज़र आ जाएगा। इसके बाद ये जो टॉप हुआ है 12,430 तक, इसका करेक्शन मार्च महीना में सबसे ज़्यादा करेक्शन हुआ दिखा रहा है, ठीक है। ये है वेव ए, मतलब मैंने इलियट वेव मान के चलूँगा तो इसको करेक्शन वेव ये मतलब ये वेव ए हुआ है। इसके बाद वेव ए में कितना गिरा है, 12,430 से 7,591 तक गिरा था, ठीक है। उसके बाद ये करेक्शन वेव बी का करेक्शन चल रहा है, ये वेव बी का कितना करेक्शन अभी तक हुआ है ये देखिए, ये 7,511 से ये हाई गया था मतलब 7,9038 तक इसका हाई गया था। तो इसका मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था तो के इधर ये 10,550 तक इसका जाने का प्रोबेबिलिटी है, और उसके बाद फिर से जितना तक इधर से जितना तक मतलब डाउन ऊपर मतलब इसका मूवमेंट आएगा, जितना ये मूवमेंट आएगा ठीक उसी का मतलब जो इधर जो वेब बी का जो मूवमेंट जितना तक हो जाएगा, सोच लीजिए 10,550 या 9,972 या 9,200 9,293 या 9,700 या 9,900 या 10,600 या 10,500 कुछ भी लेवल हो, तो इधर से जो जितना तक इसका जो जाएगा ये जो वेब का वेब वन में जो जितना गिरा था मतलब 4,919 पॉइंट गिरा था, 7,12,430 से जो 7,511 तक हुआ था उसका जो है वो उतना ही से उधर उस लेवल से उतना तक गिरेगा। तो एक दिन से मैं तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा, तो धीरे धीरे गिरेगा, उसके बाद ये बॉटम आउट होके फिर से इसका नया ट्रेंड चालू करेगा। तो ये गया है मैंने, और इधर से देखेंगे, इधर से भी आप लोग को एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। और जो ग्रैंड प्राइस है आप लोग ग्रैंड प्राइस स्क्वायर टाइम स्क्वायर और ग्रैंड हिस्ट्री एंगल आप लोग को दिखाऊंगा, तो इधर आप लोग देख सकता है। देखिए इधर मैंने उस दिन जो मैंने लेवल मतलब 27 मार्च जो मैंने बना था उस लेवल पे मैंने बोला था, तो इधर इस लेवल पे था, ठीक है। तो ये है अपसाइड का लेवल और ये है डाउन साइड का, डाउन से अपसाइड का लेवल और ये है अपसाइड डाउन साइड का लेवल। तो इधर आप लोग देख सकता है ये कुछ भी लेवल नहीं मैच कर रहा है। तो इधर देखिए डाउन साइड में ये इतना तक डाउन अप से डाउन साइड से आप जब गया रिट्रेस हुआ है 9,013 तक, ये 9,038 तक ये गया था एक्चुअली,
फर्स्ट ये सेकंड साइकिल में, तो उसके बाद फिर से ये रिट्रेस हो रहा है। इसका हो सकता है 180, लेकिन 7886 के नीचे जाने का ये अभी मुश्किल है। ये फिर से रिट्रेस होकर ऊपर ही आएगा, होने का प्रॉबिलिटी है। 8637 में इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, उसके बाद 9018 9764 तक इसमें आ सकता है। तो इसमें क्या होता है, आप लोग को ट्रेंड पता चलेगा कि इसे ये अप ट्रेंड में ही है, अभी फिलहाल इसका डाउन ट्रेंड में जाने का प्रॉबिलिटी नहीं है। और इसमें और इसका जो टाइम प्राइस पर मैंने ये देखिए, इधर मैंने ईयरली जो टाइम और टाइम कैलकुलेट किया हूँ, इधर जो ये है कि मतलब जो 12430 20 जनवरी बना था और 7511 ये 24 मार्च बना था, तो ये दोनों साइड से मैंने ये जो कैलकुलेट किया है, तो इसका इसका जो स्क्वायर करके इसका कैलकुलेट किया जाता है। तो इधर से ये जो ये मैंने कैलकुलेशन कैसे वो बाद में आप लोग को दिखाऊंगा। तो इसमें जो आप लोग भी देख सकता है, ये इम्पोर्टेंट डेट है, इसका आसपास कुछ चेंजेस हो रहा है। ये सब ये अप साइड से अप और लो और डाउन दोनों साइड से ये डेट्स में कैलकुलेशन किया गया है। ये है ईयरली, ये डेली का भी आप लोग नोट कर सकता है, और ये है वीकली है, वीकली लेके मैंने कैलकुलेट किया हाई और लो, ये है इसका डिफरेंस ये है। उसके बाद इसका मतलब एंगल में कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर अप करके इसका बना गया है। तो इसका ये इसका भी डेट आप लोग मतलब ये रख सकता है इसका आसपास में, या 2-4 दिन या 5 दिन के अंदर ये जब मतलब प्राइस का जो 360 एनालिस के जो प्राइस का जो मैच कर रहा है। तो देखिए 31 मार्च 1 अप्रैल का जो लेवल सा है, तो उसका एक मिनट बाद दोस्तों थोड़ा सा एक फ़ोन कॉल आया, रिसीव कर लेता है, एक बार देख लेता है। हेलो हेलो মানে আপনি কে বলছেন? হ্যাঁ কে বলছেন বলুন তো। ও হো আচ্ছা, বস ভিডিও বানাচ্ছি একটু একটু পরে, হ্যাঁ জাস্ট মিনিট। তো এই যে গান্স কা যে লেভেলস হয়, तो सॉरी गन का जो टाइम और प्राइस स्क्वायर आप लोग जो देखिए, इधर कौन सा लेवल मैच कर रहा है 360 एनालिसिस पे, इधर अप ट्रेंड का जो ये है इसमें इधर से देखिए रिट्रेस होके जा रहा है। तो इधर से तो ये इसका जो जब टाइम और प्राइस एक दूसरे को स्क्वायर करेगा तो तभी जाके कुछ चेंज आएगा। तो इसीलिए गन डेट्स का भी इम्पोर्टेंस रहता है। तो आप लोग इसका इसमें आप लोग ट्रेंड को भी पता चलेगा, और इसका कब का कितना तक आ सकता है तो वो भी आप लोग को पता कुछ फोरकास्ट कर सकता है। तो ये जो ये मंथ डेट और मंथ डेट और ईयर फॉर्मेट में ये डेट्स दोनों तरफ से ये सब डेट्स अब कैसे क्या आप लोग डेट्स वगैरह जो है वो याद रख सकता है। तो ये आप लोग उसके बाद आप लोग इसको मिला के देख सकता है। एनीवे तो उसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखा रहा हूँ, सॉरी बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ चार्ट, जैन निफ्टी का चार्ट भी वही है। निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑफ तेरी तो इधर बैंक निफ्टी का चार्ट में आप लोग को डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो अभी जो फील डेली चार्ट में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो पहले आप लोग को दिखा देता हूँ। इधर जो कैसे बनता है एमिट भी उसी का हिसाब से, निफ्टी का हिसाब से ही चल रहा है।
इधर आप लोग देख सकते हो, इधर 16,116 और 21,462, ये एक्चुअली ये जो कैलकुलेशन है इसमें मूरेस कैलकुलेशन रहता है और सीपीआर रहता है और फिबोनाची का लेवल्स रहता है। तो इसमें जो एक्चुअली ये 16,116 और 21,462 ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। उसके बाद ये इसमें जो इसका जो पहले वाला सपोर्ट मिलेगा 1995 में, इसका रेजिस्टेंस होने का 19,447 में इसका रेजिस्टेंस होने का, उसके बाद 20,103, उसके बाद 20,490, उसके बाद ये 20,804, उसके बाद ये 21,462 तक ये जा सकता है ऊपर। और नीचे वाला जो लेवल्स है इसका 18,195, 18,008, 17,403, इसके बाद ये 16,798, 16,116, उसके बाद 16,116 का नीचे जो वो जा सकता है तो बहुत ही नीचे जा सकता है 15,445, उसका फिर से डाउन ट्रेंड चालू आ जा हो जाएगा, तो ये अभी आने का मुश्किल है। तो इसके बाद इसका 14,176, उसके बाद 10,770 तक इसका लेवल्स आ सकता है। तो इसका भी हम लोग आप लोग को एक बार 360 का लेवल्स दिखा देता हूँ। और टाइमर प्राइस मतलब टाइम प्राइस मतलब एक जैसा है, निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देखिए इस लेवल पे था, इस लेवल से ये रिट्रेस होकर, इस लेवल से रिट्रेस होकर फिर से ये थोड़ा सा नीचे आने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे फिर से ये कंसिडर होकर ऊपर ही जाएगा। तो उसके बाद ही ये ऊपर मतलब नीचे जाने के बाद ही ये ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर से जो लेवल्स है वो उसको नीचे आएगा, तो इधर उसके बाद ही ये कंसेशन होगा। इधर से मैंने आप लोग को दिखाना का कोशिश करूँगा, इसका भी जो एनालिसिस करता है और भी कुछ लेवल्स आप लोग को दिखा दूँगा एक्चुअली वो, और रात में भी कुछ दिखाऊँगा। तो देखिए आप लोग इधर से जब 360 डिग्री एनालिसिस का मतलब ये डेली चार्ट में एक्चुअली डेली लेवल्स पे लेके ये बना हुआ है, ये जब इसका अप ट्रेंड ऐसा होगा, ये अपसाइड का मूवमेंट ऐसा होगा 45 से 360 डिग्री तक, और डाउन साइड का ये ऐसा होगा 45 से 360 तक। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी और निफ्टी का इंडेक्स आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो ये एंड ऑफ द फर्स्ट साइकिल हो जाएगा, उसके बाद एंड ऑफ ये सेकंड साइकिल चालू होगा। सेकंड साइकिल में ये अप साइड और डाउन साइड में इतना तक मतलब ट्रैवल हो सकता है, मूवमेंट मार्केट का मूवमेंट हो सकता है, और थर्ड साइकिल में ये इतना तक मूवमेंट आ सकता है, अप साइड और डाउन साइड में ऐसा मूवमेंट हो सकता है। उसके बाद मैंने आप लोग को और भी कुछ लेवल आप लोग को अभी दिखा देता हूँ, रात में भी कुछ लेवल्स प्रोवाइड करूँगा। मतलब जब मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स दिखा था, मतलब बाय सेल लेवल्स दिखाऊंगा, तो इधर से ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोग नोट करके रख सकता है, इसका हिसाब से आप लोग इसको मॉनिटर कर सकता है। तो इसमें फिबोनाची का 7 डेज का हिसाब से, 5 डेज का हिसाब से ये सब लेवल्स भी आप लोग देख सकता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो आप लोग को दिखाऊंगा। सीपीआर का भी देख सकता है, ये इधर से जो है जो सेक्शन है फिबोनाची का बेस वोलेटिलिटी बेस्ड अप या डाउन साइड आप लोग नोट करके रख सकता है, इसका हिसाब से मार्केट को मॉनिटर कर सकता है। कुछ मतलब नहीं मैच कर रहा है या कुछ नहीं हो रहा है तो मेरे को बोल सकता है, मेरे को बोल सकता मतलब फीडबैक दे सकता है। इधर से गन का लेवल्स है, इधर स्टैंडर्ड डेविएशन है, इधर स्टैंडर्ड डेविएशन है, इधर इलियट वेव है, इलियट वेव का टाइम भी है, ठीक है, और ये प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है। और बैंक निफ्टी का तो डेली का आप लोग को दिखा दिया, और मंथली और ईयरली मतलब एक ही जैसा है। इसका 360 डिग्री का जो एनालिसिस है आप लोग टाइम स्क्वायर एक बार दिखा देता हूँ, इसका टाइम प्राइस कुछ ऐसा होगा। इधर टाइम प्राइस कुछ ऐसा दिखा रहेगा, ठीक है, इसका टाइम प्राइस कुछ ऐसा दिखेगा, और इधर 360 डिग्री का जो भी ऐसा है, और इधर 360 डिग्री का भी लेवल्स आप लोग देख सकते हैं, ये अप साइड का, ये डाउन साइड का। और इसके बाद आप लोग ऑप्शन का चेन का भी ऑप्शन मतलब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन भी देख सकता है इधर से,
निफ्टी और बैंक निफ्टी का करंट वोलेटिलिटी और ये सब देख के बनाया है। और इधर ऑप्शन चेन में जो हुआ है, ऑप्शन चेन में जो दिखा रहा है, ऑप्शन चेन में आप लोग को रैपली बोल देता हूँ, ये 8500 में, मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, ये 8500 में निफ्टी का रेजिस्टेंस बना है और 8500 में रेजिस्टेंस बना है और 8000 में इसका सपोर्ट, 8500 में रेजिस्टेंस बना है, 8000 में सपोर्ट बना है। इससे रेशियो 0.71, इधर कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप और पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप और ये हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है थोड़ा सा डाउन साइड इंडिकेट कर रहा है। और इधर बैंक निफ्टी में 19000 और 18000 में रेजिस्टेंस सपोर्ट है, उधर भी कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप और डाउन पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो अभी इंडिकेट कर रहा है थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेशन अभी हो सकता है, उसके बाद फिर से ये, लेकिन इसका ट्रेंड थोड़ा सा आप ही रहा है तो इसका आप ही जाएगा, तो बाद में फिर से डिस्कस करूँगा कल को, तो तब तक के लिए धन्यवाद।